चलिए रखते हैं, ये देखिए। तो ये सोप डिस्पेंस कर लिया है, और एक बार करते हैं, ये हो गया है सोप। तो गाइस आज एक और बार यूरोनिक्स का मेड इन इंडिया प्रोडक्ट आज हम देखने वाले हैं, ये है ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर, यानी ऑटोमेटिकली ये आपके हाथ पर सोप डिस्पेंस करेगा। इसे आप यूज़ कर सकते हो आपके बाथरूम्स में, वॉशरूम्स में, और सोप डिस्पेंसिंग का जो प्रोसेस है उसे ऑटोमेट कर सकते हो। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था सैनिटाइजर डिस्पेंसर, दैट वाज आल्सो ऑटोमेटिक, और ये है ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग रिव्यू, कंप्लीट टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और इसका वर्किंग डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाने वाला हूँ। यूरोनिक्स अभी दोस्तों आपको पता चल ही चुका होगा कि ये एक इंडिया बेस्ड ब्रांड है, और इनके पास जितने भी ऑटोमेटिक प्रोडक्ट्स हैं ऑल आर मेड इन इंडिया। सो प्लीज़ विजिट देयर वेबसाइट टू चेक ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, और वेबसाइट की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। मेरा नाम है अजय गिर, आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ड्यूड। ऑटोमेशन ड्यूड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों अनबॉक्सिंग के साथ। ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे बॉक्स पैकेजिंग में आता है। खोलते हैं बॉक्स को, बॉक्स के अंदर देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले बॉक्स के अंदर हमें मिलता है यूजर मैनुअल। इस यूजर मैनुअल के ऊपर लिखा हुआ है मॉडल का नाम यानी नंबर, और इसे नंबर के साथ आप सर्च कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पर। अदरवाइज जो परचेस लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। मैनुअल के अंदर आपको मिल जाती है इसकी इन्फॉर्मेशन, यानी हाउ टू इंस्टॉल इट, व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और ये प्रोडक्ट आता है 6 मंथ्स की वारंटी के साथ। बॉक्स के अंदर सेकंड चीज हमें मिलती है बैटरीज, 4AA अल्कलाइन बैटरीज, ड्यूरासेल की देते हैं ये कंपनी, विच इज द बेस्ट थिंग बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज बैटरी ऑपरेटेड, और इसमें आपको किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिसिटी जाने नहीं वाला है। इसके बाद आपको मिलते हैं कुछ स्क्रूज एंड अटैचमेंट्स, और इसके अंदर मिल जाती है एक की। ये की यूज होती है दोस्तों इस ये जो कंपार्टमेंट है उसे खोलने के लिए। वैसा इसे हाथ से भी खोल सकते हो, थोड़ा सा लिफ्ट किया तो ये इजीली खुल जाता है, बट इफ यू वांट टू गो ऑन द प्रोफेशनल साइड तो उसके लिए आपको प्रोवाइड की जाती है एक की। उसके बाद निकालते हैं इन फॉर्म्स को और देखते हैं कि क्या बचा है इस बॉक्स के अंदर। तो बॉक्स के अंदर है मेन प्रोडक्ट, ये है यूरोनिक्स का ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर। हो बहुत ही बढ़िया स्टाइल है दोस्तों इसकी, और ABS प्लास्टिक का केसिंग आपको यहाँ पर मिल जाता है, स्ट्रांग मटेरियल है पॉलीकार्बोनेट का। और इसके अंदर जो लिक्विड टैंक है, मैं आपको साइड बाई साइड टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी बताते जा रहा हूँ। इसके अंदर जो लिक्विड टैंक है यानी सोप जिसके अंदर आप फिल करके रख सकते हो, दैट इज 1100 ml, सेम एज ऑफ सैनिटाइजर डिस्पेंसर। स्प्रेइंग अमाउंट यानी जो इसका स्प्रेइंग अमाउंट है, दैट इज 1 ml के आसपास स्प्रे करता है, और कंटिन्यूस स्प्रे नहीं करता है। अगर आप इसके नीचे हाथ रखे रहोगे कंटिन्यूसली तो ये कुछ ड्यूरेशन के बाद ही स्प्रे करेगा, दैट सेव्स अ लॉट ऑफ सोप इनसाइड दिस कंटेनर। उसके बाद इसका जो सेंसर है दैट इज IR सेंसर, और इसकी जो सेंसिंग रेंज है वो है 2 to 5 cm की, यानी 2 to 5 cm के अंदर आपको इसके नीचे हाथ रखना होता है और फिर आपके हाथ पर जो है वो सोप डिस्पेंस हो जाता है। स्टैंडर्ड IR सेंसर है दोस्तों, इसलिए इट इज़ रिकमेंडेड कि आप इसे इंडोर यूज़ करो, लाइक आपके घर के अंदर यूज़ कर सकते हो, बाथरूम में, ऑफिस के अंदर यूज़ कर सकते हो, या कैबिन्स के अंदर यूज़ कर सकते हो। मोस्टली जहाँ पर भी आप साबुन से हाथ धोने वाली जगह होती है उन सारी जगहों पर इसे यूज़ कर सकते हो। इसका कवर जैसे ही आप खोलते हो इसके अंदर स्विच लगा होता है, वो स्विच हो जाता है ओपन, सर्किट हो जाता है ओपन। तो बैटरी इसके अंदर डालने के बाद, लिक्विड इसके अंदर फिल करने के बाद भी ये वर्क नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस दिस मेन जो लीड है वो क्लोज है तब तक। तो मैं आपको इसका मैकेनिज्म दिखा देता हूँ। ये देखिए इसकी, ये है इसका मैकेनिज्म। एक मोटर है जो इस पाइप को प्रेस करती है जिसके अंदर से फिर लिक्विड आ जाता है बाहर। इस टैंक को अगर आप फुल फिल करोगे तो 2-3 बार आपको ये प्रोसेस करनी है जब तक वो पाइप के अंदर की जो हवा है वो निकल नहीं जाती, एंड उसके बाद दिस प्रोडक्ट विल बी रेडी टू यूज़। तो चलिए डालते हैं इसके अंदर बैटरीज और करते हैं इसे कनेक्ट, करते हैं इसे फिल। मैं इसे कर रहा हूँ फिल मेरे नॉर्मल रेगुलर लिक्विड सोप से। तो टैंक हो चुकी है फिल, मैंने पूरी तो फिल नहीं की है, थोड़ी सी फिल की है फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। अभी हम इसकी टेस्टिंग करते हैं, लेकिन टेस्टिंग से पहले दोस्तों अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज आई वुड लाइक यू टू टेल की चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हम प्रमोट कर रहे हैं और यू शुड बी प्राउड दैट इंडिया इज ऑल्सो मेकिंग सच प्रोडक्ट्स nowadays, एंड हमें चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा रिलाय करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसका वर्किंग। इस सोप डिस्पेंसर को सोप डिस्पेंस करवाने के लिए आपको इसके सेंसर के नीचे हाथ रखना पड़ता है। चलिए रखते हैं, ये देखिए। तो ये सोप डिस्पेंस कर लिया है, और एक बार करते हैं, ये हो गया है सोप। अभी मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रखता हूँ, और अभी मुझे करना पड़ेगा हैंड वॉश। आप देख सकते हो कि मेरे हाथ पे जो है वो फोम जम गया है, फोम या झाग जो भी बोलते हैं इसे। मैं 2 मिनट में हाथ धोकर आता हूँ दोस्तों, तब तक आप बने रहना यहीं। सैनिटाइजर डिस्पेंसर इसके पहले जो हमने देखा था बिल्कुल वैसा ही इसका वर्किंग है। फर्क इतना है कि सैनिटाइजर डिस्पेंसर में आपको जो है वो लिक्विड फॉर्म में, थोड़ा सा थिन फॉर्म में आपको लिक्विड डालना होता है सैनिटाइजर, लेकिन ये जो सोप डिस्पेंसर है इसमें आप जो रेगुलर थिक सोप लिक्विड्स होते हैं वो इसके अंदर फिल कर सकते हो। इट इज़ कैपेबल टू डिस्पेंस
थिक लिक्विड्स। ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। इसके जो परचेस लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। यूरोनिक्स कंपनी के पास सोप डिस्पेंसर के रेंजेस बहुत है, 3000 से स्टार्ट होकर 11, 12, 15 हज़ार तक इनके पास रेंजेस है। आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, यानी बड़े एरियाज में अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो उसके अकॉर्डिंग आप आपका सोप डिस्पेंसर चूज कर सकते हो। घरेलू यूज़ के लिए, ऑफिस यूज़ के लिए दिस वन इज़ परफेक्ट। सो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसे कुल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।